लड़कों ने जेल से बाहर निकलने का। आप सभी से नमस्कार, खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय फरीदाबाद के न्यू जनता कॉलोनी में मौजूद हैं और एक दर्दनाक घटना, एक दुखद घटना, ये सामने मंदिर देख पा रहे हैं, काली माता का मंदिर है और यहाँ पर पुजारी जिनका नाम रवि कश्यप बताया जा रहा है और प्यार से उनको भगत जी बोलते थे, कल रात को कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा उन पर हमला किया गया है, उनका गला रेत दिया गया है और हालत गंभीर है, हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं आपको एक बार फ़ोटो दिखाता हूँ रवि कश्यप जी की, ये रवि कश्यप जी की फ़ोटो है ये आप जो देख पा रहे हैं और इन पर जो है गला रेता गया है। इस समय मैं फरीदाबाद के न्यू जनता कॉलोनी में मौजूद हूँ, ये उनका घर है, एक बार आप दिखा दीजिए, ये इनका घर है और इस मंदिर में वो पुजारी का काम किया करते थे और इस समय आप मौके पे भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर और परिवार के जो लोग हैं वो बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार कितने बजे की वारदात है? 11:30 बजे की। 11:30 बजे कहाँ थे उस समय भगत जी? भगत जी यहाँ सो रहे थे, लाइट गई हुई थी जी। एक भी रुकिएगा, सामने फोल्डिंग पड़ा हुआ है, देखिए एक बिस्तर पड़ा हुआ है यहाँ पर, बस ये दूर से दिखाइएगा, दूर से दिखाइए क्योंकि सामने खून काफ़ी ज़्यादा है। कृष्णा 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 एक बार साइड होना, जरा साइड होना। ये इस फोल्डिंग पर वो बाहर सो रहे थे अपनी बेटियों के साथ और कुछ अगर अज्ञात हमलावर आते हैं और उन पर हमला करते हैं और पूरी तरह से उनका जो गला है वो रेत देते हैं। कितने बजे की घटना बता रहे हैं आप? 10-11 बजे की बात है ये, लाइट गई हुई थी। अच्छा, उसमें लाइट नहीं थी? लाइट नहीं थी, अंधेरा था पूरा दिन। उन्होंने 5 बजे से इस गली में से पानी पूरा निकलवाया है। अच्छा, पानी भर गया? हाँ जी, यहाँ इतना पानी था गली के अंदर, जब शाम हुई सब अपने अपने घरों में चले गए, लाइट चली गई, लाइट हमारे एसी लग रहा, बच्चे सो नहीं पा रहे थे। इन्होंने क्या करा, मंदिर से कनेक्शन हो रहा हमारे इन्वर्टर का। हाँ, उनको बच्चों को लेके इस फोल्डिंग पे सो गए, एक बच्चा इधर सो रहा है, एक बच्चा इधर सो रहा है, दोनों लड़की हैं। हाँ, उम्र क्या है? बच्चों को प्यार कर रहे थे वो, तो आए एकदम से, कह रहे मांशु है, उन्होंने बोला मांशु कहाँ है, घर पे ही है। अच्छा। इतना बोला, इतने में उन्होंने जैसे गर्दन घुमाई थी, उन्होंने मारा बहुत बुरी तरह। चार पांच जने थे ये, तीन एक साथ पहले बाइक पे होके चले गए, दो फिर आए हैं। पहले देख के चले गए? हाँ जी, फिर यहाँ ये पास में मस्जिद है, इस गली से घूम के गए हैं, फिर आगे वाली रोड पे लाइट कट थी तो वहाँ लाइट के आगे से गए, हमारी दुकान है वहाँ भी कैमरे में आए हुए हैं। कह सकते हैं कि पहले रेकी करने आए थे? हाँ जी, पहले सारा देखने देख के गए, फिर इस कैमरे में भी है और मस्जिद वाली गली से गए और हमारी ये दुकान मंदिर के साथ घर है, इसमें आर पार रास्ता है, पीछे उनका घर है। अच्छा। वो यहाँ से आए हैं कितने प्यार से चुपचाप, और वो लेटे हुए थे, अभी सोए नहीं थे, एकदम से उनके यहाँ हमारे जीप पे मारी है। क्या मारा है गले में? चक्कू और सुआ था, दो थे, एक सुआ था तोड़ने वाला, हाँ जी, और एक चक्कू, तो उनकी गर्दन पूरी, इनको घूम नहीं पाए ना, तो एकदम अगर पूरा घूमते तो वो तो खत्म ही कर देते, उनके यहाँ पे मारा है बुरी तरह। तो आप कौन लगते हैं रवि जी? भाभी उनकी, हाँ, वो छोटी बेटी लेके बैठे थे। उम्र क्या है रवि जी की? उनकी 36 है। 36 के आसपास? जी। तो पहले बता रहे थे कि जो हमलावर है वो अज्ञात है, अब पता लग गया है कि कौन है? वही है, उन्होंने, उनकी वाइफ भी बैठी थी, उन्होंने देखा है, हाथ भी पकड़ा है और सामने बेटा वो कूलर के लिए। रवि जी की वाइफ ने उन हमलावरों को देखा? हाँ जी, पहचान लिया? हाँ जी, कौन है वो? वही लड़के जो पहले भी उन्होंने ईंटें मारी थी, हमला करा था, और अभी वो शायद जेल से छूट के आए हुए। तो क्या नाम बता रहे? मेहताब शशि। मेहताब और शशि, ये दो लड़के? हाँ, तीन चार लड़के थे और का हम नाम नहीं जानते। मेहताब और शशि कन्फर्म है? हाँ, लोग थे। हाँ जी, हाँ जी। टोटल लोग कितने आए थे? चार पांच बंदे थे। हाँ, शशि और मेहताब कन्फर्म? हाँ जी। अच्छा, तो पहले झगड़ा चल रहा था क्या इनसे? कोई शशि नाम रखवा रखा है उसने अपना, किसी और का नाम ले रखा है? गोलू नाम है? हाँ जी। तो किस बात पे हमला किया? कुछ भी, कोई बात नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। इनकी मम्मी बीमार थी तो इन्होंने भी फोल्डिंग बिछा लिया, वो कह रहे उन्होंने कल कहीं जाना था तो उनका भी बैग तैयार था, तो कह रहे लाइट नहीं है, मैं बच्चों को लेके यहीं बैठ जाता, वो भी यहीं बैठे थे। आप भी देखिए, आप भी समझदार हैं, आप भी उम्र दराज है, तो किसी कोई बात तो हुई होगी, बिना बात नहीं, लेकिन इन्होंने
आतंक मचा रखा है, वहाँ बैठते हुक्के वुक्के पीते रहते हैं। जाने की वो उन्होंने ये बोल दिया कि हम मुसलमान हैं, हमारी वो गैंग बना रखी है इन लोगों ने। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे आप पता कर सकते हो जिन्होंने मारे, ये 22-23 साल के बच्चे हैं। हाँ जी, 22 साल के लड़के हैं। कोई ज्यादा उम्र नहीं है? ज्यादा उम्र नहीं जी, कोई ज्यादा नहीं है। 2-3 केस हो चुके हैं, अभी आए हैं, सुनने में आया कि अभी बीच में भी कोई लड़ाई हुई थी तो एक तो निकला ही हुआ था। अच्छा, तो ये जेल से छूटे हुए? हाँ, ये सब छूट छाट के दोबारा आए हुए। कितने केस हो गए इनके? पहले ईटे मारी थी ये, कल बहुत इन्होंने ईटे किस बात पे मारी थी? तब वो पता नहीं, ये चिढ़ते हमसे, ये मस्जिद है इधर तो इधर मंदिर है, ये थोड़ा डांट डूटते उनको बच्चों को। अच्छा। तो भाई यहाँ पे जैसे काफी केस हो गए तो मोहल्ले पड़ोस की वजह से। हम लोग जैसे जाते हैं, जैसे कोई कांड हो जाए मोहल्ले पड़ोस में आपस में जाते हैं, तो इसलिए वो हमारे दुश्मन की तरह बने हुए हैं। लेकिन कल तो कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं। थोड़ा सा समझाइएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दर्शकों को समझाइएगा किस बात को लेके पहले मनमुटाव हुआ था? बच्चे खेलते हैं उनके, आपके बच्चे खेलते हैं? हमारे मंदिर में जैसे काफी लोग आते हैं, वो उन्होंने गाड़ी लगाई थी तो उन्होंने वहाँ से ईंटें मारी है। बहस करते थे बेमतलब, जो मंदिर में आने पर ईटे वीटे मारी है उन्होंने। अच्छा। फिर वो हमने छोड़ दिया, 6,000 रुपए लेने थे, वो भी नहीं लिए इन लोगों से। मैं चलो कोई बात नहीं, उनकी माता आई थी, हाथ पैर जोड़ गई थी। फिर दोबारा दूसरे दिन ही वहाँ से ईटे मारी, परली छत से ईटे मारी। इनके पीछे ही घर है जिन्होंने हमला करा है। अच्छा। और उनकी वाइफ भी बैठी थी, आंखों से देखा है, व्हाइट कपड़े पहन रखे दोनों ने। हालत कैसी है? अभी कह रहे हैं गंभीर है, अभी हालत नाजुक है। वो तो बहुत सीरियस ही हो रहे हैं, ये तो उन्होंने आईसीयू में डले हुए हैं। अच्छा, जो बर्फ तोड़ने वाला सुआ होता है वो गले में मारा? ये देखो वीडियो, मैंने अपने हस्बैंड को चीखे मारी है, वहाँ से बुलाया, पूरी कॉलोनी इकट्ठी करी है। वीडियो में खून है और जो नियम कहते हैं वो खून दिखा नहीं सकते। यहाँ से ऑटो में ले गए, आगे ऑटो खराब हो गया, एक वैन वाले का घर है, उनकी वैन में बिठा के ले गए बुला के उनकी अभी वाइफ। 10:30-11 बजे की, ये 12:15 बजे की बात है। 12:15। हाँ जी। फिर वारदात के बाद पुलिस पहुँची यहाँ पे? पहुँची है वो, लेकिन थोड़ी देर बाद पहुँची जब हम उनको ले गए। वो कह रहे कि हमारे वहाँ पे कोई आग लगी है, 112 वहाँ पे पहुँच गई थी, बाद में आई है। तो अब क्या कार्रवाई चाहते? कार्रवाई यही चाहते कि इंसाफ चाहिए। ये तो दिन दिहाड़े वाली बात है, आज इन पे, कल को किसी और को भी कर सकते हैं। घर के बच्चे भी है, फैमिली है पूरी। कौन कौन है फैमिली में? कौन कौन है फैमिली में? तो 5-6 भाई बहने हैं, भतीजे है, भाभी है, पूरी जॉइंट फैमिली है। हाँ जी, 15-20 लोग हैं। हाँ जी। कितने भाई हैं ये? रवि रवि ये 7 भाई है, 3 इनके वो खत्म हो गए। अच्छा, और अब 4 हैं। चार ही हाँ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। इसी घर में और यही छोटे वाला, ये हमारे हाँ जी सबको संभालता है, पूरी कॉलोनी को भी यही देखते हैं, पानी भर जाए या पानी ना आए, हर किसी के साथ लगे रहते हैं। कल 5 बजे से लगे हुए हैं, पार्क में भी गए, उसको पकड़ के टूवल चलवाया और ये सारा पानी सुखवाया, लोगों के घर तक भर गए, डूब गए। तो फिलहाल जैसे आप बता रहे हैं कि जो कारण है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जब पुलिस पकड़ेगी उनको तो वो ये बता तो पाएंगे किस कारण से। इन्होंने ना कोई चलाकी खेली है, ये गैंग रेप की तरह बना के ना एकदम इन्होंने कोई चलाकी खेली है, इन पे अकेले पे हमला कर रहे हैं। कोई ना कोई उनके मन में बात होगी। एक भैया इनके ऊपर थे, वो बर्फ भेजते है, उनका कल पानी का कोई काम नहीं था, पानी भरा हुआ रोड पे, वो भी ऊपर थे बच्चे। और ये पड़ोसी है, इन्होंने भी पानी निकालने पुल के अंदर थे। मेरे हस्बैंड है वो दुकान पे शाम को चले गए, वहाँ भी पानी दुकान में सफाई करने, ये गेट बंद था, यहाँ से आए हैं मार के और यहाँ से गए हैं मस्जिद वाली गली से, वहाँ भी कैमरे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं उसमें भी। चलिए, परिवार के लोग हैं 37 वर्षीय रवि कश्यप, जिन्हें प्यार से लोग भगत जी कहते थे, मंदिर के पुजारी थे। कल रात तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास 4 से 5 लोगों ने उन पर हमला किया, जिनमें से 2 लोगों के नाम ये बता भी रहे हैं, गोलू और महताब का नाम ये बता रहे हैं, जिनको इन्होंने पहचाना है, घर के लोगों ने पहचाना है, क्योंकि जब वो भाग रहे थे तो उनको पकड़ने का प्रयास भी किया गया था। 7 भाइयों के एक भाई रवि कश्यप, जिनमें 3 भाई जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं और 4 भाई इस मकान में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है। और फिलहाल हालत गंभीर है, हालत गंभीर तो है ही है, और फरीदाबाद की भी हालत बहुत गंभीर है। अगर हम कानून व्यवस्था की बात ना ही करें फरीदाबाद के अंदर तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लगातार फरीदाबाद के अंदर चोरी चकारी अपहरण लड़ाई झगड़े के मामले लगातार सामने आते हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं डंडों राड़ों से हमले किए जा रहे हैं। और कल देखिए, कल एक पुजारी जी का जो है गला रेतकर मर्डर करने की कोशिश की गई, वो तो भगवान का शुक्र है। फिलहाल हालत गंभीर है, नहीं कह सकते कि भगवान को क्या मंजूर होगा, हालत बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। फिलहाल हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, और हालत ज़्यादा इसलिए नाजुक है क्योंकि सामने जो आप
ये फोल्डिंग देख पा रहे हैं, ये बिस्तर देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा जो है खून से सना हुआ है। अब मैं आगे जाके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि खून बहुत ज़्यादा है। और इस समय आप इस मोहल्ले की हालत देख सकते हैं कि सभी लोग इस समय आक्रोशित हैं, पुलिस से उन लोगों को पकड़ने की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब पुलिस कितनी देर में उनको पकड़ती है, कितनी देर में नहीं पकड़ती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल फरीदाबाद की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। कानून व्यवस्था का लोगों को 1% भी डर नहीं है, क्योंकि आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब फरीदाबाद के अंदर कोई बड़ी वारदात नहीं होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। पीछे मोहल्ले से बहुत खतरा है, हमें उनको सामने करवा सकते हैं तो करवा दो, जैसे कैसे करके उनको पकड़वा दो। खतरा है, इंसाफ चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। गोलू और मेहताब का नाम ले रहा हूँ, इनसे इंसाफ चाहिए बस। गोलू और मेहताब, लाला और वारदात, ये चार जने हैं। कल जो मौके पर थे, दो की पहचान हुई है ना, दो की पहचान हुई है, गोलू और मेहताब की पहचान। हाँ। हुई है, दो की पहचान हुई। अच्छा, बाकी लोगों से भी खतरा है आपको, लेकिन हमला करने वाले ये लोग हैं। बैठी थी, उन्होंने देखा लाइट चली, सारी भैया थी, छोटी छोटी बच्चियां थी। देखिए, पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और हम भी पुलिस से कार्रवाई की मांग करेंगे और अपील करेंगे कि अपना डर फरीदाबाद के लोगों में, जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनमें डर बैठाइए, क्योंकि आप लोगों का डर लगातार दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल भी खत्म होता जा रहा है और लगातार ऐसी खबरें दिखाते हैं हम आपको। और इस समय फरीदाबाद के न्यू जनता कॉलोनी में मौजूद है, जहां पर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। एक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की गई, अपनी तरफ से वो जान से मार के गए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अभी वो उपचाराधीन है। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि आगे भगवान मालिक है कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं इस समय मोहल्ले के लोग देखिए कितना इकट्ठा है, आक्रोशित है। ये देखिए न्यू जनता कॉलोनी फरीदाबाद और पूरा परिवार इस मौके मौजूद है, मोहल्ले से मौके मौजूद हैं। और इस घर में रहते थे वो पुजारी जी, जिनका नाम रवि कश्यप है, और इस घर में रहते थे चार भाई, एक साथ रहते हैं। सात भाइयों का परिवार, तीन भाई हैं वो इस समय आप दुनिया में नहीं है, लेकिन ये चार भाई इसी मकान में रहते थे। और सामने जो मंदिर देख पा रहे हैं आप, ये सामने जो मंदिर देख पा रहे हैं, इस मंदिर में पुजारी का काम करते थे और रात को इस जगह पर, देखिए मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, पास से दिखाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये देखिए इस फोल्डिंग पर रात को सो रहे थे अपने बच्चों के साथ, अपनी दो बेटियों के साथ। जब कुछ हमलावर आते हैं, जिनमें से दो के नाम इन्होंने भी कन्फर्म करे कि एक का नाम महताब और एक का नाम गोलू है, इसके अलावा दो तीन और थे जिनको ये पहचान नहीं पाए, उन्होंने रवि भगत जी पर हमला किया और उनका गला पूरी तरह से रेत दिया, चाकू से गला रेता, और उसके अलावा मुंह के अंदर एक तरफ से बर्फ को तोड़ने वाला सुआ मारा गया, जिससे उनका जो मुंह है वो पूरा तरह से आर पार हो गया, सुआ जो है। तो ये मामला है न्यू जनता कॉलोनी फरीदाबाद का, बहुत बड़ी घटना, बहुत शर्मनाक घटना और शर्मनाक पुलिस विभाग के लिए भी, क्योंकि ऐसे वारदात जो है लगातार होती जा रही है और पुलिस विभाग जो है हमेशा से नाकाम साबित होता जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा, बहुत बहुत धन्यवाद।